वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अ चैनल एकलव एकेडमी कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनके लिए खुशखबरी है। जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल रहता है 10+2, एसएससी 3 टाइप्स की वैकेंसीज नॉर्मली कैलेंडर में जो उसका एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करती है, जिसमें एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे, एसएससी सीएचएसएल 12th लेवल पे और एसएससी 10th लेवल पे एमटीएस। इसके कैलेंडर वाइज हर साल फॉर्म आउट होते हैं, वैकेंसीज आती हैं। तो अभी 2020 की जो वैकेंसीज हैं वो सीएचएसएल की डिक्लेयर हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी डिटेल जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं इसके अंदर, किस किस डिपार्टमेंट में और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, ऑल ओवर डिटेल्स विल डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो ये डेट है कब से कब तक के लिए है, पहले हम ये बता देते हैं डेट फॉर सबमिशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ये है 6/11, यानी कि कल से फॉर्म हो चुका है। आज ये 7th को वीडियो अपलोड होगा, तो 6 से यानी 6 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन, जो 15/12 लास्ट डेट होगी फी की, और पेमेंट आप कर सकते हो 17/12 यानी कि 11:30 बजे तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इधर डेट्स को देख सकते हो। अब आते हैं जो टेस्ट है वो कब होगा। तो शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन Tier 1, इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आप देख सकते हो 12/4/2021, यानी कि 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक, यानी कि प्रिपरेशन करने वालों के लिए अभी कंप्लीट 6 मंथ्स हैं। इतने टाइम में इसको जो ए से भी स्टार्टिंग करेगा वो भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, देखिए इसमें 3 स्टेजेस एग्जाम होते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी, 3 स्टेज में ये कंप्लीट होता है। आपका सबसे पहले जो है वो रिटन, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, फिर सेकेंड जो होता है वो ऐसे राइटिंग होता है डिस्क्रिप्टिव, जो ऑफलाइन मोड में होगा। जो प्री होगा वो ऑनलाइन मोड में होता है, और जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, और आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं, या आप फॉर्म भरते टाइम ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा फिल करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे आते हैं। अभी जो Tier 2 की डेट है वो नोटिफाइड लेटर कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज रहती हैं। देखिए ये पे अब ये कुछ अलग अलग सेक्शंस हैं जिसके थ्रू निकालते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC जो करती है। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो किस किस की हैं। पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट की बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट हैं उसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए ये वैकेंसीज निकलती हैं 10+2 की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्केल देख सकते हैं, LDC का Pay Level 2 है जो 19,900 से 63,200 तक रहेगा। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का देखेंगे तो पे स्केल 25,500 से 81,100 तक रहेगा। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप देखेंगे Level 4 है, 25,500 से 81,100 तक है। और इसी तरीके से आप नीचे और भी देखेंगे तो ये हम आते जाएंगे। ठीक है, अब एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। जो एज लिमिट है वो इसमें 18 से, यानी जो 18 कंप्लीट कर चुके हैं और 27 से कम है, ठीक है, उनको आप भर सकते हैं। और अगर हम इसमें डेट की बात करें 1/1/2021 से, ठीक है, पहले ना पैदा हुआ ईयर्स एज ऑन, मतलब बॉर्न ना हुआ हो 1994 से, यानी कि 1/1 से जो डेट होगी 1 जनवरी 2021 से ही कैलकुलेट की जाएगी। यानी जो लोग 2/1/1994 के पहले ना हुए हों, यानी उसके बाद ना हुए हों, और 1/1/2003, ठीक है, यानी 1994 से 2003, यानी 94 से पहले ना हुए हों और 2003 के बाद ना हुए हों, वो सारे ही लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो क्राइटेरिया रहता है एज लिमिट में रिलैक्सेशन का, वो तो नॉर्म्स और क्राइटेरिया जो है उसके जो भी एक नॉर्म्स हैं वो जो नियम हैं उनके तहत सभी को मिलेगा, जैसे जैसे एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है,
एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है इसके लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए, ये हम सब ऊपर पढ़ चुके हैं। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, ये सेक्रेटेरिएट, ये असिस्टेंट है ना, तो डीईओ, ये जो था डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी जो एक्सेप्ट डीईओ इन सीएजी। देखिए कैग में भी इसकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। वैसे नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि 12वीं पास चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए के लिए है इन द ऑफिस ऑफ, जो हम कहलाता है कैग, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके लिए 12th स्टैंडर्ड पास चाहिए, स्पेशली साइंस स्ट्रीम में विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड ए जो कैग में वैकेंसी है उसके लिए स्पेशली मैथमेटिक्स 12th लेवल पे चाहिए, ठीक है। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो सारे इसी के बारे में डिटेल्स दे रखी है कि अब यहाँ आप देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वो टीयर 1 हो गया, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव हो गया, टीयर 2, और जो टीयर 3 होता है उसमें होता है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। देखिए नॉर्मली सारी वैकेंसीज के लिए टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें मोड दोनों ही आप चॉइस कर सकते हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश। और स्किल टेस्ट हो गया स्पेशली जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, उनको एक डेटा दिया जाता है, उसको जो फिल कराया जाता है, एक उसका भी एक पूरा क्राइटेरिया सेट है कि हमें इतने इतने वर्ड्स या इतना डेटा इतने टाइम में, जैसे कि वर्ड्स पर मिनट होता है टाइपिंग का, ऐसा ही इसका क्राइटेरिया सेट है। तो स्किल टेस्ट, ठीक है, स्पेशली डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए रहता है। तो इन द क्वेश्चन पेपर्स देखिए ये सब चीज़ें तो ऐसे ही हैं, मतलब सब डिटेल्स में दे रखा है, हम मेन मेन चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब टीयर 1 का एग्जाम कैसे होगा इसका जो मोड है वो देख लेते हैं। वही है, द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी मल्टीपल टाइप होगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट और फोर्थ। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। देखिए 50-50 मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 मार्क्स का ही जीएस, 50 मार्क्स का मैथ्स और 50 मार्क्स की इंग्लिश, ठीक है। तो 200 मार्क्स का आउट ऑफ एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और अगर हम उस पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो मार्क्स होते हैं 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी एक क्वेश्चन पे, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे, वो सॉरी 2 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है, और 1 क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। ये है फर्स्ट टीयर 1 का। और टीयर 1 की जो मेरिट होगी उसी के आधार पर फिर आपको टीयर 2 के लिए कॉल किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, मार्क्स ऑफ स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइजेशन होता है यानी जिस शिफ्ट का पेपर कठिन आया इजी, ये एक नॉर्मलाइजेशन का एक पैटर्न, एक पूरा नियम दिया गया है उसके तहत, उसके अंडर में प्रोसीजर होता है पूरा नॉर्मलाइजेशन का, उसके थ्रू फिर हमारा रिजल्ट कंपाइल होता है। फिर जब हम टीयर 1 का एग्जाम कट ऑफ में अगर हम आ जाते हैं तो सेकेंड टीयर का एग्जाम है। देखिए ये पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आता है, अगर आप बेसिक 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो उसमें यही सब आता है, स्पॉटिंग द एरर, फ्लिंदी ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्शन मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, कन्वर्जन टू इंडायरेक्ट इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, यानी कि वो इस पैराजम्बल भी बोल देते हैं इसे, ठीक है, और शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये है इंग्लिश का। इसी प्रकार से अगर हम आगे आते हैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, ऊपर तो अभी किसी का नहीं निकला, जनरल इंटेलिजेंस में यानी रीजनिंग, तो दिस विल बी इंक्लूड, आप देख रहे होंगे एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंस्ड होल, यानी पूरी जितनी भी रीजनिंग है 1 डे एग्जामिनेशन के लिए है वो सारा ही सिलेबस है, ठीक है। तो आप अगर इसका नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो SSC की मेन साइट से भी ले सकते हैं, SSC.NIC.IN, या सरकारी रिजल्ट पे जाके भी आप इसको आराम से पूरा PDF देख सकते हैं। और PDF के लिए अगर आप PDF जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल एकलव्य अकेडमी कासगंज आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप पूरा वहाँ पे जाके ये सारा डिटेल देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस में। देखिए जो PDF है वो बहुत बड़ा है, 64 पेजेस का है, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें थी बस 15-18 पेजेस का, ये मैंने आपके लिए अलग से स्क्रीन शॉट्स लेके PDF बनाया है जो हमें रिक्वायर्ड है जिस चीज़ को पढ़ना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में अब हम देखते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे अगर हम आते हैं, देख टीयर सेकंड डिस्क्रिप्टिव, तो वही हमने पहले ही बता दिया। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो वही हमें ऐसे पूछा जा सकता है किसी से भी रिलेटेड, नेबरिंग कंट्रीज या अपनी इंडिया के बारे में, इस तरीके से। ठीक है, और मेन बात यह है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो पेन पेपर बेस्ड होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये क्वालिफाइंग होगा 33% पे, यानी कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीयर सेकेंड वुड बी 33%। ठीक, और हिंदी और इंग्लिश आप एक कोई भी चुन सकते हैं। ठीक, तो ये पहले ही चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम जब आगे आएंगे टीयर थर्ड, फिर से आगे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। स्किल और टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड बाय द कमीशन और इट्स ऑथराइज्ड एजेंसी। जो भी ऑथराइज्ड एजेंसी होंगी और जहाँ से भी कमीशन है वो कराएगा, कहीं पे भी जहाँ पे उनके रीजनल ऑफिसेज हैं या कहीं पे भी। ठीक है, और मीडियम ऑफ टाइपिंग ये भी हिंदी और इंग्लिश होगा। टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय, ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आपको बताना है। देखिए वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और सबकी अपनी वर्ड्स पर मिनट कितने चाहिए और कैसे चाहिए, ये सब डिटेल्स आप देख रहे होंगे नीचे लिखी हुई है। स्किल टेस्ट में क्या कैसे चाहिए आप ये PDF एकलव्य अकेडमी कासगंज जो चैनल है उसके माध्यम से देख सकते हैं। चैनल का लिंक मैं नीचे भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं और पूरा PDF आप एक बार आराम से रीड कर सकते हैं कि कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए और कैसे। मेन मेन चीज़ें जो थी, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने की डेट और कौन कौन से मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसको, मतलब किस डिपार्टमेंट में हमें और कौन सी पोस्ट इसमें मिलती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, कितने निगेटिव मार्किंग है, कितनी स्टेजेस हैं एग्जाम की और कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन सा क्या क्या रहेगा वो सब। और देखिए हाँ एक चीज़ और, जो लास्ट वाला थर्ड स्टेज रहेगी वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स दे चुकी हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे शेयर करिए। थैंक्स।